कभी हमने तीर से देखा नहीं है अभी हम भगवान ने आज सुंदर से बाहर ब्राह्मण देवता के रथ में आसीन हो गए। ब्राह्मण देवता को भी बैठा लिया। बल्लभ जी ने मदद पहुंचाने के लिए पहुंचाया था। कुंदनपुर में आ गया हमारे ठाकुर का रथ। एक बगीचे में इन्होंने पड़ावे डाल दिए। रुक्मणी मैया को किसी ने बोला, देवी तुम्हें जिसका इंतजार था बरसों से और ठाकुर तुझे लेने आ गया है। बोलो बांके बिहारी भगवान की। शैलियों ने कहा, अरबो ठहरे हैं चौपारी जो तुमको लेकर जाएंगे। और देवी इतना विश्वास रहे वो तुमसे प्यार जाएंगे। तो बड़ी प्रसन्न हो गई और दौड़ते भागते अपने सहेलियों के साथ पहुंची हकीम भैया और अपने सहेलियों से रुक्मणी ने बोला, आओ बहनों मुझे दुनिया की इतनी सुंदर दुल्हन बना दो। भरत भरत सजा हम इतना सुंदर सादर दुल्हन बनाओ सजाओ, लोग देखे तो कहे हाँ रुक्मणी तो रुक्मणी है। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आप सभी माताएं बहने, आप सभी भैया लोग तालियां बजाते हुए भगवान का गुणगान गाएंगे। और मेहंदी लगा दो हमें ऐसा सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन आजकल नहीं शादी हुई एक साल नहीं हो पाई। पहले कोर्ट कचहरी अदालत का दरवाजा खटखटा देती है। रुक्मणी कहते मुझे ये सब नहीं करना है। ऐसी पहलू
चल सुहाग की बिंदिया लगा दो भगवान की जय हो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। कितने कितने मीठे मीठे अंदाज में रुक्मणी मैया ने अपने शैलियों को निवेदन किया। आजकल हमारी जो सौभाग्यवती देवियां है ना सुहागन 15-15 दिन तक मांग नहीं भरी जाती। भाल से मेदी असुक्त बेदी छूट गई तो लगाने का नाम ही नहीं। और जब उसका पति बोले भाई श्रृंगार नहीं बनाती हो तो क्या बोल देती अब तो हम बड़ी बूढ़ी हुई गई अब हमारे बहुएं आई गई। अरे बहुएं आई गई बड़ी बूढ़ी हुई गई नाती पोता हुई गई अच्छी बात है लेकिन ये विद्या लगाना माध भरना महावर रखना ये छोड़ दिया ये अच्छी बात नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अरे आप देखना गांव गांव में घरों घरों गोस्वामी जी ने रामायण